साइबर अपराध से निपटने गृह विभाग ने 900 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के तहत साइबर अपराध की रोकथाम तथा आधुनिक तकनीक से जांच की जाएगी। यह जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी। वे रविवार शाम पुलिस महासंचालक DGP के कैंप ऑफिस तथा पाचपौली में 196 और इंदौरा में 112 क्वार्टर के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजभवन रेयर गेट के सामने स्थित DG कैंप ऑफिस में आयोजित समारोह की अध्यक्षता पालक मंत्री नितिन राउत ने की। अतिथि के तौर पर DCP हेमंत नगराड़े, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, महानिरीक्षक चिरंजीवी प्रसाद उपस्थित थे। गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। किसी समय ब्लैक मनी का बड़ा स्रोत मादक पदार्थ थे, अब साइबर अपराध ने उनकी जगह ले ली है। साइबर अपराधी दुनिया में हर साल $5 ट्रिलियन की चपत लगाते हैं। कोई भी साइबर अपराध का शिकार हो सकता है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट लाया गया है। इसे साइबर अपराध की रोकथाम, आधुनिक तकनीक से जांच, अधिकारी कर्मियों को प्रशिक्षित, डाटा संग्रहित करने का काम किया जाएगा। इसका टेंडर भी जारी किया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस कर्मियों के आवास की समस्या हल करने के लिए 1,00,000 क्वार्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए 3 फैसले लिए गए हैं। पहला, पुलिस कर्मियों के लिए क्वार्टर बनाने वाले बिल्डर को 4 FSI तथा अन्य सुविधाएं दी जाएगी। दूसरा, गृह विभाग की जमीन पर क्वार्टर का निर्माण किया जाएगा। और तीसरा, DP प्लॉट में पुलिस के लिए आरक्षित जमीन पर क्वार्टर बनाए जाएंगे। देशमुख ने कहा कि कोविड के चलते सभी राज्य आर्थिक संकट में हैं। कोई भी निधि खर्च नहीं करना चाहता है, ऐसे में यह गृह विभाग की बगैर सरकारी निधि के पुलिस के लिए आवास बनाने की योजना है। इस पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से चर्चा भी हो गई है। वित्त मंत्री ने खुशी जाहिर की है। पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए डायल 112 आरम्भ करने की योजना है। इस नंबर पर फोन करते ही नागरिकों को सभी आपातकालीन सेवाएं मिल जाएगी। इसके लिए 2,004 पहिया तथा 2,500 दुपहिया वाहनों की जरूरत है। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि DGP कैंप ऑफिस के आरंभ होने से मुंबई चक्कर काटना बंद हो जाएगा। पुलिस असल कोविड योद्धा है, उसका काम प्रशंसनीय है। DGP हेमंत नगराड़े ने कहा कि 1,20,000 पुलिस कर्मी है, महज 45,000 निवास है। पुलिस गृह निर्माण का लक्ष्य 70,000 घर बनाने का है। क्वार्टर के अभाव में कर्मचारी घर किराए पर लेते हैं, इसका उनके जेब पर असर होता है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि घर उपलब्ध कराया जाना पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्धि है। मुख्यालय की इमारतों को 100 साल हो गए हैं। यहां आधुनिक इमारत बनाने की योजना है, उसका प्रस्ताव भी दिया गया है। समारोह में गृह मंत्री तथा पालक मंत्री ने DGP कैंप ऑफिस का उद्घाटन किया। पाचपौली और इंदौरा के पुलिस क्वार्टर का रिमोट से उद्घाटन किया गया। समारोह का संचालन DCP मुख्यालय संदीप पखाले तथा आभार ग्रामीण अधीक्षक राकेश ओला ने माना। आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की या ठिकाणी DG ऑफिसच्या या कार्यालयाचं उद्घाटन आणि ग्रामीण आणि शहराच्या पोलीस निवासस्थानाचं उद्घाटन या ठिकाणी होत आहे। त्याबरोबर सर्वप्रथम या दोन्ही वास्तूचं उद्घाटन झालं असं मी सर्वप्रथम इथे जाहीर करतो। आणि DG ऑफिस आपण पाहिलं की अतिशय सुंदर बांधलेलं आहे। जागाही सुद्धा अतिशय चांगली आहे, प्राईम लँडमध्ये बांधण्यात आलेलं आहे। त्याचं आधी ते उद्घाटन होत आहे। जनरली हे DG ऑफिस जेव्हा असेंब्ली सेशन इथे असते किंवा DG साहेब जेव्हा दौऱ्यावर या भागामध्ये असतात तेव्हा त्यांच्या निवासस्थानासाठी आणि ऑफिससाठी या DG ऑफिस त्यानिमित्तानं वापरतो। हे तसं DG ऑफिसचा 7-12 आमच्या नगराळ्या साहेबांच्या नावावर आहे, पण याचं अतिक्रमण होम मिनिस्टर करणार आहे। पोलीस स्टेशन पाचपावली येथील नूतन 196 शासकीय निवासस्थानाचे बांधकाम आणि पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण अंतर्गत पोलीस मुख्यालय इंदोरा येथील 112 शासकीय निवासस्थानाचे बांधकाम याचे उद्घाटन या ठिकाणी झाले याचा मला निश्चितच आनंद आहे। कारणामुळे येऊ शकले नाही म्हणून त्यांच्याबद्दल माहिती, त्यांच्या हाऊसिंग कॉर्पोरेशनबद्दल माहिती देवाना भावाची जबाबदारी सुद्धा माझ्यावर आलेली आहे। म्हणून माझं थोडंसं 2 शब्द जे आहे, कारण हाऊसिंग कॉर्पोरेशन हे आपल्याकडे पोलीस अधिकाऱ्यांची निवासस्थानं, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थानं आणि त्याचबरोबर कार्यालयीन बांधकामे
पोलीस कार्यालयांची बांधकामे हे पोलीस हाउसिंग मार्फत मोठ्या प्रमाणामध्ये करण्यात येतात, तर त्याची माहिती आपल्याला असणे अत्यंत आवश्यक आहे असं मला वाटतं. कॅमेरा पर्सन मार्कल के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट.